तो गाइस आज प्रिजन एसएमपी सर्वर के अंदर मैं फाइट करता हूँ उस इलीगल प्लेयर के साथ, क्योंकि मेरे को उसके बारे में एक घिनौना सच पता चलता है जिसके बाद में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ और मैं उसके ही वेपन्स से उसको मारने लगता हूँ। तो ऐसा तो क्या हुआ मेरे और उस इलीगल प्लेयर के बीच, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड अगर आप लोग प्रिजन एसएमपी की वीडियोस डेली देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। और गाइस कभी कभी तो यार लाइक का बटन दबता ही नहीं है यार, क्या करते हो यार, जल्दी जाके लाइक के बटन को दबाओ। और हाँ यार, आप में से 70% ऑफ पीपल ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी 1 मिलियन रीच कर रहे हैं ना। और गाइस मेरे चैनल पर चल रहा है एक माइंड तरफ ओके, तो एक और दिन प्रिजन एसएमपी के अंदर। और यार ये घर के आगे इतनी गंदगी किसने फैला दिया यार, यहाँ पे देखो डर्ट ही डर्ट डाल दिया है, मतलब कसम से घर की खूबसूरती बिगाड़ दी जिस भी बंदे ने किया है यार। इतना मस्त घर था और इसने यहाँ पे हर जगह डर्ट वाले ब्लॉक्स डाल के ना पूरा घर बिगाड़ दिया। एक काम करते इसको थोड़ा सा फिलअप कर लेते ताकि इसकी लुक्स जो है मेंटेन रहे। अब हाँ कॉबल स्टोन डाल दिया, बहुत खराब लग रहा है, बट वैसे भी वंश कुछ टाइम के लिए बाहर गया है तो कुछ फर्क ज्यादा पड़ने नहीं वाला। तो यार लास्ट एपिसोड में जैसा कि आपने देखा था यार, मैंने ये वाले सर्वर के एकदम मोस्ट रिचेस्ट और इलीगल प्लेयर से परचेस की थी ये AWM, और इससे मैं लिटरली किसी को भी ठोक सकता हूँ। और इस गन को मैंने टेस्ट किया था स्क्विड पे जो कि लिटरली एक शॉट में मर गई थी। गाइस अगर इस वाले वीडियो पे आते हैं 35,000 लाइक्स तो मैं इस वाली गन से वार्डन को मारने की ट्राई करूंगा और देखूंगा कि वार्डन इस वाली गन से कितने हिट्स में मरेगा। बाय द वे यार मैं सोचता था कि एक माइनक्राफ्ट की हार्डकोर सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें 1.19 खेलूं, बट यार आप लोग यार हार्डकोर सीरीज देखते नहीं हो यार, बताओ देखोगे कि नहीं कमेंट्स में बताओ, तो उस हिसाब से बनाऊंगा। और मेरे को कमाल की बात ये पता चली थी कि वो जो अपना इलीगल प्लेयर है ना जिससे मैंने गन खरीदी, वो बॉस का भाई है। बॉस यानी कि जो DRK के और इनविजिबल मैन के ऊपर काम करता है, जो मेन हेड है ये सब का, तो मेरे को उस तक पहुंचना है और उसके लिए मेरे को किसी को भी मारना पड़े मैं मारने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यार SMP को दांव पे हमें नहीं लगाना है कोई भी रीजन से। तो देखो SMP की सेफ्टी पहले आती है क्योंकि इसमें हमें हम सबको खेलना है और इतनी प्यारी 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 तो नहीं, इतनी खतरनाक गन्स का यूज़ भी करना है, तो हमें ये SMP को दांव पे नहीं लगाना चाहिए और उल्टा इस SMP को प्रोटेक्ट करना चाहिए इन गन्स का यूज़ करके। और जो DRK और रॉयल्टी ये सब जो कर रही है SMP के खिलाफ है, तो इन लोगों को हमें रोकना चाहिए और अगर ना माने तो हमें इनको मारना चाहिए। वैसे आपकी क्या ख्याल है बताना कमेंट्स में एक बार। और गाइस अगर आज से थोड़ी सी वीडियोस लेट आए तो समझ जाना मेरे स्कूल्स है और ट्यूशन से इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, तो हाँ थोड़ी सी लेट आएगी, ज्यादा लेट नहीं आएगी। ओके अभी रात का मौसम होने वाला है, एक काम करते पुलिस स्टेशन चक्कर लगा के आते, DRK खेल रहा है तो उसको ना थोड़ा सा स्पाई करके आते कि आजकल वो क्या कर रहे हैं सर्वर के अंदर। A few moments later. ओके तो लेट्स गो, अभी रात हो ही चुकी है एंड स्पाई ग्लास है क्या मेरे पास, ये रहा। ओके यहाँ पे बैठे बैठे DRK पे स्पाई करते हैं कि वो कर क्या रहा है। ओके तो यार जैसे कि यार तुझे पता चल गया यार, तेरी वजह से यार मैंने युग को इतनी गंदी तरह फंसाया आतंकवादी घोषित करके, और यार हमारा प्लान बिल्कुल एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है और अब हमारा प्लान बिल्कुल नियर आ चुका है यार। तुझे तो पता ही है हमारा बॉस, यार बॉस की तो बात ही क्या करूं यार, बॉस की वजह से ही तो ये सारी चीजें हुई है। हाँ हाँ मुझे पता है कि तूने भी बहुत ज्यादा काम करा है, बट यार मेरा भी कुछ काम होना चाहिए ना यार, मतलब मैंने भी हेल्प करी है। हाँ तो 50-50 करेंगे ना एक साथ। तुझे पता नहीं युग के पास कितना आइटम है, जितना भी इलीगल आइटम मिलेगा ना हम दोनों राज करेंगे उसको मिलकर SMP में, ठीक है ना। और जैसा भी तुझे पता है अभी युग इस सर्वर पे ऑनलाइन है, तो यार नहीं कि वो आने वाला है यहाँ पे, तो उससे पहले ना उसको ना मारने का प्लान बनाते हैं आज, क्योंकि थोड़ा पंगा तो लेना चाहिए ना यार, क्योंकि हम इतने पावरफुल बन चुके हैं, तो एक दो शॉट मारेंगे और उसका किस्सा खत्म कर देंगे। अरे हाँ हाँ मुझे पता है कि तुझे भी सामान देना है, पर रुक जा उससे पहले ना थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं, आजा आजा चल। हाँ यहाँ पे नीचे मेरे पास कुछ आइटम है, आजा एक चीज दिखाता हूँ तुझे। साहब ये DRK और वो इनविजिबल मैन तो मारने का ही प्लान बना रहे हैं यार, और इनका कौन सा प्लान एग्जीक्यूट हो गया, मैंने तो इनके सारे प्लान फ्लॉप कर दिए है भाई। इनका ऐसा तो कौन सा फालतू प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है। और यार ये लोगों ने जैसा कि आपने सुना कि कह रहे थे SMP अपने हाथ में ले लेते हैं, भाई ऐसे मैं दूंगा तो ना SMP, भाई इनका तो दिन भर दिन यार अपना गोल बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो इनका गोल था इलीगल वेपन का बिजनेस करना, और अब तो इनका गोल हो चुका है कि यार कसम से पूरा SMP हथिया ले। वैसे मेरे पास इलीगल बंकर है तो वहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट वेपन स्टोर कर सकता हूं, पर मेरे को फिर भी DRK पे जरा भी विश्वास नहीं है क्योंकि वो इजीली चोरी कर सकता है। और अभी वो इनविजिबल मैन को नीचे लेके गया है, तो अब उस पर स्पाई करना बेकार है, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया ना तो उसके पास सही बता रहा हूँ इससे भी अच्छी स्नाइपर है,
वो मैंने पता है कैसे देखी, वो ना मतलब जब मैं एक दिन ऑफलाइन बैठा था तब मैंने डीआरके के हाथ में खतरनाक वाली स्नाइपर देखी थी, बिल्कुल AWM जैसी दिख रही थी। चलो अभी सुबह तो हो चुकी है तो अपने बाहर चलते हैं। एंड अपने कल क्या बात कर रहे थे, हाँ डीआरके को हमने कल स्पाई किया था। तो यार अभी ना देखो यार इन लोगों का तो सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, तो मेरे को लगता है कि वो जो इल्लीगल ट्रेडर था ना गाइस अपना, उससे एक बार मैं चलता हूँ, उससे बात करता हूँ कि भाई देख अभी मेरे को तेरी हेल्प की जरूरत है, तो अभी मेरे को फटाफट से जाके उस इल्लीगल ट्रेडर को ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। ओके तो चलो अभी चलते हैं, उससे थोड़ी सी हेल्प मांगते हैं, भाई यार प्लीज मेरे को हेल्प कर दे। ओके तो उसका जो अपना क्या कहते हैं जो अपना केव था वो यहीं कहीं पे ही था, तो चलो देखते हैं। ओके तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुंचने वाला उस केव के पास। एंड यार अगर वो बंदा अभी ऑनलाइन होगा ना तो मेरे को उससे हेल्प मांगनी पड़ेगी, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता हमारा SMP डूब जाए और पूरा का पूरा मेरे एनिमी के पास आ जाए, क्योंकि अगर उनके पास पूरा SMP का कंट्रोल आ जाता है तो सारे इल्लीगल वेपन्स हमसे छीने जाएंगे और हमें लाइफ टाइम जेल में डाल दिया जाएगा। ओके ये रही वो केव, फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। एंड चलो यार वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा गहराई में चलते हैं पहले तो, ठीक है। एंड उसके बाद उससे मिलते हैं, वो वहाँ पे ही है ना, वहां पे होगा शायद से। ओके यहाँ से इधर, वैसे क्यों तो इतनी ज्यादा डीप और खतरनाक बना रखी है ना, लिटरली फट जाए किसी की। ओए होए यार क्या यार मजे कर दिया यार तूने, ओरे भाई यार तेरी एक्टिंग तो जबरदस्त निकली। ओए होए मजा आ गया भाई, आज तो इल्लीगल वेपन के ठिकाने का हेड अप तू ही बनेगा भाई। यार तू क्या मस्त एक्टिंग करता है यार, अरे रे 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 तूने तो युग के ऐसे चंगुल में फंसाया और युग को लगने लगा कि वो उसका दोस्त बन गया तू। अरे ये ओ भाई आज तो मजा आ जाएगा यार। भाई 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 सुन सुन सुन, युग को ना और ऐसे फंसाएंगे, उसके लिए यार तुझे पता है तूने तो जो चीज मांगी थी वो मैं लाऊं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये पकड़ अपने डायमंड के ब्लॉक्स, अरे पकड़ पकड़ यार शर्मा मत, जल्दी से पकड़ ले अपने डायमंड के ब्लॉक्स और एक्टिंग करना बंद कर। ये जो नेदरराइट का ब्लॉक है मैंने दिया है मुझे पता है, बट यार क्या मस्त चीज बनाई यार तूने, बट थैंक गॉड यार युग को अभी तक पता नहीं चला, इसी बात पे यार पार्टी करेंगे आज। ओ भाई एक मिनट, व्हाट वी वो ये कैरेक्टर वहां पे ऊपर कहां जा रहे भाई, वीड युग डीआर के वीड ये कहां से है यहां पे, डीआर के तू यहां पे क्या कर रहा था, वीड तूने कुछ सुना तो नहीं ना यार हमारी बातें। बेटा सब सुन लिया मैंने भाई, यार युग तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा भाई। भाई तू यहां तक कैसे आया यार, बेटा मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ यहाँ पे तेरे को। अरे तू क्या देख रहा है शक्ल, नीचे खड़े खड़े अब तेरे डायमंड ब्लॉक ले लूंगा चुपचाप, जल्दी ऊपर आके युग को मार, अरे जल्दी से आना। अरे भाई मैंने भी यार ज्यादा दिखाने के चक्कर में सारी गोली वेस्ट कर दी। अरे शिट ये युग कहाँ है, युग कहाँ है, युग कहाँ है, जल्दी। ओ युग नीचे है, ओ शिट मैं ऊपर कहाँ जा रहा हूँ, युग रुक जा रुक जा भाई, मार उसको भाई तेरे डायमंड ब्लॉक्स गए, युग को मार नहीं नहीं डायमंड ब्लॉक यार। भाई क्या स्वॉर्ड है इस बंदे के पास, भाई यार ये बंदा स्कैमर निकला यार ब्रो, तू तो मेरे को कह रहा था कि यार तू मेरा दोस्त है और तू डीआरके की टीम में, भाई एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इसके साथ। तो कोई बात नहीं युग, अब कर ले, अब कर ले। ओ भाई यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, तुमने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया भाई, इल्लीगल भाई ये सब क्या कर रहे हो, तो मेरे को ही गन देते हो तुम और मेरे से टोपी बाजी, ये सही है। अरे युग तुझे पता नहीं है दिस इज अ बिजनेस, समझा क्या, तेरी ऐसी की तैसी बिजनेस वाले, आना ऊपर बाद में बताता हूँ बिजनेस। अरे आना बिजनेस के बच्चे आ, रुक अभी आया मैं। युग जो गन दी थी वो फालतू है XT, अच्छा बच्चू फालतू है, तेरे को तो अभी बताता हूँ, आना ऊपर आना। भाई क्या डी ट्रेडर नाम है इस बंदे का और इतना बड़ा स्कैम किया है ना इसने मेरे साथ, तेरी साइड लेके आ जा दोनों आ जा। ऐसे तो कमी कर रहा है भाई क्योंकि तू सबसे ज्यादा स्कैम करता है युग। भाई तू कर रहा है भाई, क्या मेरा नाम मत डाल भाई, तूने भाई तूने स्टार्ट करी स्कैम करना SMP को। अच्छा 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 तुम्हारी तो मेन मोटिव है कि आई SMP पर राज करना है, मैंने तेरी इनविजिबल मैन के साथ भी सारी बातें सुनी। तो क्या हो गया अब तुझे जलन हो रही है ना क्योंकि तुझे नहीं मिलने वाली है SMP। मेरे को SMP चाहिए भी नहीं, मेरे को SMP में सब लोग खेले वैसा सिस्टम चाहिए। ओ सब सिस्टम चाहिए तो इल्लीगल वेपन लेगा। मैं तो अभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, आ जा भाई। अरे भाई तेरे डायमंड ब्लॉक ले लूंगा जल्दी आ, यार मुझसे लड़वाते रहता है हर काम, आलसी बना भाई। भाई ये भाग गया यार, यार तू अपने तेरे पास ट्राइडेंट है जल्दी जा उसके पास, वो भाई जल्दी जाना उसके पास। ओ ये यही है, क्या कर रहा है युग, मारना भी नहीं आता यार, सीख के क्या है बेटा, इस SMP को एक साथ रखेगा युग। यार मैं अभी भी कह रहा हूँ यार छोड़ दे यार, तू वहां खड़े हुए क्या कर रहा है भाई, मुझे बचा भाई, लग रहा है इसके डायमंड ब्लॉक लेने पड़ेंगे भाई, तू अपने इल्लीगल वेपन यूज करना, ओए जाना यार बचा उससे।
अरे मेरे ऊपर नहीं, उसके ऊपर। वो मार 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 मार, हम दोनों एक साथ मिलके मार देंगे इसको यार। आज खत्म है यार युग, युग का किस्सा ही खत्म करते हैं। वेरी गुड, ऐसी इलीगल वेपन यूज कर भाई, यही तो चीज जिंदगी। ओ शिट यार, युग उड़ गया यार। तेरे पास ट्राइडेंट है, जल्दी जा। वो यार लग रहा है वो दूर चला गया। ओए पास आ गया वो यार युग, तेरे से बड़ा नूब नहीं देखा मैंने यार। भागना चाहिए था तुझे, पर तू यहाँ पे बैठा हुआ है। आजा इसी की तसी। ओ ओके, तो युग का है। ओ शिट शिट शिट, वो इलीगल भाई, थोड़ा ध्यान से करो ना यार, मुझे भी डैमेज हो रहा है। वो मेरे पास एक ही गोली है युग को नीचे पहुंचाने के लिए। ओ ओ ओ भाई, ओ शिट मैन, युग में अभी भी कह रहा है मेरे पास वेपन है। अच्छा जल्दी नीचा युग, नीचा तेरे पास वेपन है, तेरे पास वेपन है। ओ शिट 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 भाई साहब, ओ भाई यार तुझे जल्दी से करना पड़ेगा यार, कुछ करना यार। तू खड़े हुआ मूर्ति क्यों देख रहा है, जल्दी वो फायर कर रहा है। यो ये ले डायमंड, वो तुझे क्या लगता है वो डायमंड से पिक जाएगा यार। यार युग मेरे पास स्नाइपर है, मैं अभी भी कह रहा हूँ नहीं चाहता, एक शॉट और तू खत्म। ओ भाई भाई, ओके वेरी गुड वेरी गुड, मार 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 युग के बच्चे, रुक कि तो मैं उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, देखना। युग युग ले लिए पकड़। हो यार युग को कितनी गलत फहमी होती है। युग तुझे क्या लगता है कि असासिन तुझे बचा लेगा? भाई मेरा असासिन का है, मैंने उसको हायर किया था भाई। सही आइडिया दिया, मेरे को उसको बुलाना पड़ेगा। अरे हाँ मुझे बुलाना पड़ेगा, कितनी मस्त एक्टिंग करता है ब्रो। पर तुझे असलियत नहीं पता, क्योंकि जो तेरा असासिन है उसी को ही तू मार रहा है ब्रो। है तुझे क्या लगा असासिन भी तेरी हेल्प करेगा? नहीं, असासिन को मैंने हायर करा है ब्रो, तुझे ये भी नहीं पता। असासिन मतलब ये 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 यस, स्किन चेंज तो तुझे पता ही है, कपड़े कैसे चेंज करते हैं। ओ शिट भाई साहब, युग अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है इस सारे इलीगल वेपन और ये सारी चीजों के बारे में अगर किसी को पता चला तो तेरी मौत पक्की yes! है भाई। भाई मेरे युग के बच्चे, ओ भाई यस, ये तूने सही नहीं करा यार, मैं एक स्टैक डायमंड दी थी यार उसे। आहा वो तो गया दियार के, अब तू क्या करेगा? युग सॉरी, अब मुझे जाना पड़ेगा यार के। मैं आऊंगा बदला लेने आऊंगा तेरा। किधर है, किधर है तू? मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बाय युग भाई, भाई मैं डर गया भाई, सॉरी यार, प्लीज प्लीज। अब मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज। हाँ युग, तुझे क्या लगा भाई तू मुझे मार देगा? युग ओ युग, बाय बाय।